हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और देख रहे हैं ये खूबसूरत नज़ारा, दोनों ही वाइन एक दूसरे से इस कदर मिल रही है ना, और मिल कर के अपने आप ही इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि क्या ही बताऊं मैं आपको। ऊपर से देख रहे हैं टायर में किस कदर निकल के आई है टोटन वाइन, और ये नीचे स्वीट पोटैटो वाइन, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है दोनों का। लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। और आज मैंने अपने वॉल पर ये जो बहुत दिन से रखे हुए थे इधर उधर, आज मैंने इनमें इस पाउडर प्लांट्स लगा करके और वॉल पे हैंग किया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने बरसात में तकरीबन 3 कटिंग हिबिस्कस की लगाई थी, और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत निकल के आई है, बिल्कुल हरी हो चुकी है और लग चुकी है। तो नीचे वाले टेरेस पे हिबिस्कस लगे हुए हैं, ऊपर टेरेस पे नहीं थे। सो मैंने ये ट्राई किया, और देख रहे हैं इसकी शक्ल कितनी अच्छी निकल के आई है। और एक और दिखाती हूँ, एक ये है, इसकी शक्ल भी कोई ख़ास ख़राब नहीं है, क्योंकि हो ही गया लगभग, ये देखिए। और एक और दिखाती हूँ, मैंने लगभग 3 हिबिस्कस लगाए थे और एक पता नहीं कहाँ खो गया तो हाँ ये रहा, ये देखिए ये भी हो चुका है। इसकी भी शक्ल आप देख लीजिए, 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए जब मैंने लगाई थी कटिंग, और इनकी शक्ल बहुत अच्छी हो रही है। तो 3 हिबिस्कस वो भी रेड कलर के मेरे यहाँ हो चुके हैं। ये देखिए सामने से धीरे धीरे जो वॉल है मेरी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है, और बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए ये वाला बीच का जो नज़ारा है, खाली था काफ़ी टाइम तक, अभी जब निकल के आया तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और राइट साइड वाले पॉट अभी आपको खाली लग रहे हैं, बट थोड़े दिन बाद इसमें जो ट्रेंगल हार्ट है वो निकल के आने वाली है, भी दूर से दिखने लगी है, स्टार्ट हो गई है। और मैंने इसकी पेंचिंग भी कर दी काफ़ी अच्छे से, सो निकल के आ ही जाएगी कुछ दिनों में, जो कि बहुत ही प्यारी लगेगी गाइस। तो मुझे मेरी वॉल धीरे धीरे बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और इसके लिए कुछ DIY किया है मैंने, जो अभी काम बाकी है, कुछ और भी बढ़ जाएगा इस यहाँ पर, जो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, ये जैसे कि मैंने तुलसी की कटिंग कर दी थी, काफ़ी अच्छी निकल के आई है। तो जिन जिन प्लांट्स की मैंने कटिंग करी थी ना, वो काफ़ी अच्छी निकल के आई है, बहुत ज़्यादा। इसकी भी कटिंग कर दी थी मैंने, कामनी की, खूबसूरत निकल के आया कामनी, देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सो ये देखिए लग रहा है ना प्यारा। तो गाइस मेरा जो खूबसूरत गार्डन है और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा, और जो भी मेरे फ्रेंड्स मुझसे जुड़ चुके हैं उनसे कहना चाहूँगी, आप लोग मुझसे इसी तरीके से कंटिन्यू जुड़े रहिए। गार्डनिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग करना बताती रहती हूँ अपने चैनल पर, और बग़ैर पैसे खर्च करें। हाँ, ऐसा कहना तो व्यर्थ होगा कि बग़ैर पैसे खर्च करें, बट फिर भी बहुत लो बजट में मैं अपनी गार्डनिंग को कंप्लीट रखती हूँ, और आप लोगों को भी जो अपनी गार्डनिंग में बताती रहती हूँ ना, वो बिल्कुल लो बजट के ही प्लांट्स दिखाती भी हूँ। लो बजट में खूबसूरत प्लांट्स कैसे लगा सकते हैं वो बताती हूँ, और आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत सा चल रहा है मेरा गार्डन, लग रहा है ना खूबसूरत। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी अपडेट्स के साथ में, तब तक एंजॉय दिस वीडियो, बाय फ्रेंड्स।